अलैकुम जी, एक दफ़ा फिर से आप सबको वेलकम है। अच्छा, ये बेसिकली जो लास्ट हमने क्वेश्चन जो पेपर जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट किया था, उसी की कंटिन्यूटी है। क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो मैंने आपको सिखा दिया था। तो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रख लीजिएगा। तो आई थिंक लास्ट भी 2-3 वीडियोस में ये थोड़ी सी एम्बिग्युटी पैदा हो गई। तो क्वेश्चन आपने पेपर सामने रखना है, यहाँ से मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगा। तो यहाँ से फिर आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन से क्वेश्चन की मैं बात करूँ, और यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखी है और क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी आपको ये स्टेटमेंट जो है वो नजर आ रही होगी। तो ये बेसिकली 2018 2018 फिजिक्स 9th क्लास के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके सेक्शन बी जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन ए हमने लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने एमसीक्यूज जो है वो 9th क्लास 2018 फिजिक्स के जो है वो बड़े डिटेल में जो है वो डिस्कस किए हैं। तो अब सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू मतलब सेक्शन बी, इसका जो क्वेश्चन नंबर वन है वो है ऑन क्लोजिंग द स्टड एंड स्पाइनल ऑफ अ स्क्रू गेज, द स्क्रू द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन एंड 8th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कॉन्सिडाइज विद द इंडेक्स लाइन। देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पाइनल इज 0.5 मिलीमीटर। फाइंड द जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। बेसिकली स्क्रू गेज की सारी कहानी उसने बताई है। वो जैसे उसके ऊपर स्पाइनल वगैरह होते हैं, तो वो जब घुमाते हैं 8 डिवीजन और टोटल 50 डिवीजन होती हैं, तो वो पूछ रहा है कि इसका जीरो एरर और जीरो करेक्शन जो है वो क्या होगा। तो ये देखें, आपने याद रखना है कि सर्कुलर स्केल जो होता है स्क्रू गेज का, उसके ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन कितनी होती है, 50। उसने आपको बता भी दिए कि 50 डिवीजन है उसके सर्कुलर स्केल के ऊपर, और पिच ऑफ द स्क्रू गेज उसने बता दिया आपको 0.5 मिलीमीटर है। अब पिच होती क्या है, बेसिकली ये देखना, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑन द स्पाइनल, इसको हम बेसिकली स्क्रू गेज की पिच कहते हैं, और ये 0.5 मिलीमीटर है। तो आपसे वो पूछ क्या रहा है कि जीरो एरर और जीरो करेक्शन जो है आपने वो बताना है। अब लीस्ट काउंट जो है वो आपको याद होना चाहिए, लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। बाई डेफिनेशन भी अगर आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जाए कि डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, तो आपने ऐसे ही डिफाइन करने हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है, रेशियो ऑफ पिच ऑफ स्क्रू गेज टू द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। और अगर वो आपसे कहे कि डिफाइन पिच ऑफ स्क्रू गेज, तो उसे आपने कैसे डिफाइन करना है कि पिच ऑफ स्क्रू गेज इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑन स्पाइनल। ठीक है, तो लीस्ट काउंट पिच ऑफ द स्क्रू गेज गिवन है आपको कितनी है, 0.5 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल वो 50 है। 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाई 50, आप डिवाइड कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट आ गया आपका स्क्रू गेज के लिए। तो अब ऑन क्लोजिंग द स्टड एंड स्पाइनल ऑफ द स्क्रू गेज, ये जो क्वेश्चन में कह रहा है ऑन क्लोजिंग द स्टड एंड स्पाइनल ऑफ द स्क्रू गेज, क्या हो रहा है, मेन स्केल रीडिंग तब क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। जब वो इंडेक्स लाइन से पीछे है जीरो सर्कुलर स्केल का, तब हमारे पास मेन स्केल रीडिंग जीरो है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग तब क्या है, वो 8 × 0.01 मिलीमीटर। ये देखें वो कह रहे हैं एंड द 8th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कॉन्सिडाइज विद द इंडेक्स लाइन। तो सर्कुलर स्केल की कौन सी 8th डिवीजन जो है वो कंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन के साथ, लिहाजा 8 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ 0.01 मिलीमीटर के साथ, तो 0.08 मिलीमीटर आपके पास आ जाएगा। ये सर्कुलर स्केल रीडिंग आपकी तब होगी जब हम जो स्टड और स्पाइनल है स्क्रू गेज का उसे क्लोज करेंगे। अब जब ये चीजें आ गई, आपके पास पिच स्क्रू गेज की आपके पास गिवन है, लीस्ट काउंट आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने मेन और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्वेश्चन की स्टेटमेंट से जो है निकाल ली कि जब आप स्टड और स्पाइनल स्क्रू गेज को क्लोज कर रहे हैं, तो अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल हो गया। अब जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज आपके पास क्या होगा, सिंपल
मेन स्केल रीडिंग प्लस जो आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है, तो जीरो एरर क्या होता है सिक्रियो गेज का, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो जीरो प्लस 0.08 मिलीमीटर, तो 0.08 मिलीमीटर आपके पास जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज आ जाएगा। और सेकंड उसने ये भी आपसे पूछा था कि जीरो कुरेक्शन क्या है, तो जीरो कुरेक्शन आपके पास क्या होगा, वो बेसिकली इसी का नेगेटिव जो है वो आपका कुरेक्शन होगा, ठीक है, -0.08 मिलीमीटर। तो रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है, लीस्ट काउंट कैसे स्क्रू गेज का निकालते हैं। पिच ऑफ स्क्रू गेज होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पाइडल, और लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। और मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग ये आपको निकालनी आनी चाहिए, और जीरो एरर क्या होता है स्क्रू गेज का, ये मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग ही होती है, और जीरो कुरेक्शन इसी का नेगेटिव साइन के साथ जो है वो जीरो कुरेक्शन होती है स्क्रू गेज की। वेल, हमने ये क्वेश्चन सेक्शन बी का जो क्वेश्चन वन था ये बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हमने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। देखें ये क्वेश्चन जो है वो 2021 के स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूड था, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इसकी आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं इसकी को प्रॉपर वीडियो बना के आपके साथ बड़े अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो वैसे मैं आपको सिंपल एक आध मिनट का इंट्रो दे दूँ कि एटॉमिक फिजिक्स में बेसिकली हम एटम से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली हम एटम की फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें इस तरह की सारी डिस्कस होती हैं, और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम फिजन फ्यूजन और न्यूक्लियस से रिलेटेड जो है वो फिनोमिनस जो है वो डिकेज, अल्फा डिके, बीटा डिके, गेमा डिके, ये सारी डिस्कशन जो है वो होती हैं। ये बहुत बड़े फील्ड्स हैं दोनों, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, लोग इनके ऊपर पीएचडीज करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में बेतहाशा आगे फील्ड्स हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में बेतहाशा वैराइटीज हैं इसकी, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग भी है। न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिकली हम ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इसके अलावा ये डिकेज हो गए, ये और ये हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ें हैं इस तरह की डिस्कस होती हैं। एटॉमिक फिजिक्स में डिके स्कीम्स जो हैं वो होती हैं, ट्रांजिशंस कैसे होती हैं एटम्स की एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो कौन कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल होती हैं, ट्रांजिशन रूल्स जो है वो बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड डेफिनेशन और इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो चाहिए तो आपने मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है जी, अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 636 मीटर इन 15 मिनट, फाइंड इट्स वेलोसिटी। एक साइकिल सवार है जो कि आधा चक्कर जो है एक सर्कुलर ट्रैक का, वो जिसका डायमीटर 636 मीटर है, वो 15 मिनट में मुकम्मल करता है, तो वेलोसिटी उसकी हमने फाइंड करनी है। तो जो गिवन डाटा होता है ना, सबसे पहले हमेशा गिवन डाटा को लिख लेते हैं, डायमीटर कितना है सर्कुलर ट्रैक का, 636 मीटर है, डायमीटर को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दिए, और रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक क्या होगा। अच्छा, रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है, तो अगर डायमीटर आपको गिवन है तो रेडियस आप डी बाई टू करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, डी 636 है डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि डायमीटर की यूनिट मीटर में गिवन थी, लिहाजा रेडियस भी मीटर में ही है, 636 बटा 2 318 मीटर आ जाएगा आपके पास। तो टाइम भी उसने बताया आपको 15 मिनट, जब भी मिनट में चीज गिवन हो तो उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लें, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लिहाजा 1.5 × 60, तो 90 सेकंड आपके पास ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये बेसिकली सर्कुलर ट्रैक में घूमता है साइक्लिस्ट जो है, तो डिस्टेंस कवर्ड आप निकाल सकते हैं कि वो कितना होगा, वैसे तो 2πr होता है, लेकिन क्योंकि ये हाफ राउंड की बात कर रहा है तो 2πr का आधा क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइड बाई 2, तो वो πr आपके पास बच जाएगा, पाई 3.14 होता है, और रेडियस जो है वो आपके पास कितना गिवन है, 318 मीटर है, तो 318 मल्टीप्लाई बाई 3.14, तो ये आपके पास तकरीबन 1000 मीटर या
999 मीटर जो वो आपके पास आ जाएगा। तो अब आपने ये तो आ गया डिस्टेंस कवर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आपका बेसिकली इसी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपके पास 2r होगा, और r आपके पास जो है वो हम ऊपर निकाल चुके हैं 318, तो 2 × 318 ये जो आपके पास 636 मीटर आ जाएगा। जब सारी चीजें आ गई, अब आपको पता है कि स्पीड क्या होती है, वो हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, v इज इक्वल टू s बाई t होता है ना। तो डिस्टेंस निकाल लिया हमने कितना है, ये 999 मीटर, और टाइम वो तो बेसिकली हमारे पास वैसे गिवन था 90 सेकेंड, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11.1 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड आ जाएगी। तो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड में यहाँ डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी में यहाँ डिस्प्लेसमेंट आता है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी में यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम आएगा। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको कहा है कि वो 636 मीटर है डिवाइडेड बाई टाइम, ये जो 90 सेकेंड है, डिवाइड करेंगे दोनों को तो आपके पास 7.07 मीटर पर सेकेंड जो है वो जवाब आ जाएगा, जो कि आपकी वेलोसिटी होगी। ओके जी, बेसिकली आप डिस्प्लेसमेंट को ना यहां से भी समझ सकते हैं। देखें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये टोटल जो है 2r जो है रेडियस है, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, वो 2r है, तो लिहाजा 2r जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और आर वैसे उसने आपको, आपने निकाल लिया था डायमीटर जो गिवन था उसका हाफ करके रेडियस निकाल लिया था, तो यहाँ से आप स्पीड और वेलोसिटी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अब है जी क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, डिफाइन इनर्शिया, डिस्क्राइब द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। कह रहा है कि इनर्शिया क्या होता है और बताएं कि इनर्शिया किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इनर्शिया को डिफाइन कर लेते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रिजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया और कुछ भी नहीं है, एक जिस्म एक बॉडी की अपनी ही प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी हालत में अगर कोई भी चेंज आती है तो उसे जो है वो अपोज करता है। मतलब अगर वो रेस्ट पर है या वो मोशन पर है, उसमें उसकी वो कंडीशन को चेंज करने के लिए कोई भी अगर चेंज आएगी तो वो उसे रेजिस्ट करेगा। तो इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है, बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो कोई भी चेंज आए उसकी स्टेट, चाहे वो रेस्ट हो या मोशन हो, तो वो उसको जो है रेजिस्ट करता है, इसे इनर्शिया कहते हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इनर्शिया डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी का मास कितना है। अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया जो है वो ज्यादा होगा, मतलब मास ऑफ बॉडी जो है उसका साथ इनर्शिया का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप इस तरह समझे कि दो हिस्से हैं इसके, अगर ये 3 नंबर का है तो 1.5 जो है डिफाइन करने के हैं, और 1.5 जो है वो फैक्टर बताने के हैं जिसके ऊपर इनर्शिया डिपेंड करता है। तो इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में किसी भी आने वाले चेंज को जो है वो रिजिस्ट करते हैं, और बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो डिपेंड करता है बॉडी के मास के ऊपर, मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ओके जी, तो ये देखें, ये जब ये बेसिकली जो है चेंज इन मोमेंटम कितना है आपके पास, 22 न्यूटन सेकेंड है, न्यूटन सेकेंड इसकी यूनिट है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम को गिवन है Pf - Pi 22 न्यूटन सेकेंड, फोर्स कितनी है 20 न्यूटन, कितना टाइम आपको चाहिए ये चेंज मोमेंटम लाने के लिए, जब फोर्स भी उस न्यूटन आपने लगाई है तो आपने टाइम फाइंड करना है। तो आपको पता है कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिलेशन, ये हमने लास्ट भी एक पेपर में देखी है, तो यहाँ से टाइम आप डिफाइन करें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो
तो आपके पास आ जाएगा टाइम इक्वल पी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई एफ, पी एफ माइनस पी आई गिवन है आपके पास 22 न्यूटन सेकेंड, फोर्स आपके पास 20 न्यूटन गिवन है, न्यूटन न्यूटन से कटेगा ऊपर सेकंड बच जाएगा, तो 22/10 1.1 सेकंड जो है आपके पास जवाब आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हमें, तो ये रिलेशन भी आपने याद रखनी है कि फोर्स और मोमेंटम के आपस में क्या रिलेशन है, कि जो फोर्स है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो जब रेट ऑफ चेंज मोमेंटम गिवन है, फोर्स भी गिवन है, तो यहाँ से टाइम आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ी बखूबी जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन अ स्मॉल चाइल्ड प्ले विद अ फैट चाइल्ड ऑन द सीसा, सीसा झूला होता है ना, कह रहे एक छोटा बच्चा है और एक मोटा बच्चा है, मतलब बड़ा बच्चा है, तो क्या वो एक झूले के ऊपर एक दूसरे के साथ प्ले कर सकते हैं, तो एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके 2021 के स्मार्ट सिलेबस में जो है वो शामिल नहीं थे टॉपिक, लेकिन अगर आपको इसका सॉल्यूशन और डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द वेट ऑफ बॉडी इज 400 न्यूटन बट ऑन अ माउंटेन पीक हिज वेट इज 360 न्यूटन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द माउंटेन पीक। क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थ की सरफेस पे जो एक लड़का है उसका वेट जो है 400 न्यूटन है माउंटेन पीक के ऊपर, लेकिन माउंटेन पीक के ऊपर उसका वेट जो है वो 360 न्यूटन है, वैल्यू ऑफ जी हमने माउंटेन पीक के ऊपर जो है वो निकालनी है। तो वेट ऑफ द बॉय ऑन अर्थ किसके बराबर है, ये जो गिवन है वेट ऑफ बॉय ऑन सरफेस ऑफ अर्थ 400 न्यूटन, इसे डब्ल्यू ई मैंने कह दिया क्योंकि ये वेट है अर्थ सरफेस के ऊपर। वेट ऑफ बॉडी ऑन माउंटेन पीक किसके बराबर है, वो है 360 न्यूटन, डब्ल्यू एम कह दिया क्योंकि ये वेट है बॉडी ये बॉय का किसके ऊपर, माउंटेन पीक के ऊपर, तो एम ये माउंटेन पीक से आ रहा है। ये सिर्फ फर्क उससे उस वेट से जो है डिफरेंस करने के लिए वहां ई यूज किया ताकि ये वेट है अर्थ के ऊपर, ये वेट है माउंटेन पीक के ऊपर। वैल्यू ऑफ जी अर्थ हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे होनी चाहिए यूनिट, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी हमने क्या करनी है, माउंटेन पीक के ऊपर जो फाइंड करनी है, इस तरह इसे जी ई क्योंकि ये अर्थ के ऊपर वैल्यू ऑफ जी है, और इसे जी एम कह दिया क्योंकि ये मून के ऊपर वैल्यू ऑफ जी जो है वो है। अच्छा, अब रिलेशन आपने याद रखना है कि डब्ल्यू जो है जिस तरह मैंने कहा था एम जी होता है, अगर डब्ल्यू ई की बात कर रहे हैं कि वेट जो है अर्थ के ऊपर तो एम जी ई होगा क्योंकि मैथ तो सेम ही रहना है लेकिन वैल्यू ऑफ जी चेंज होनी है, अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर वैल्यू ऑफ जी कुछ और है, माउंटेन पीक के ऊपर वैल्यू ऑफ जी कुछ और होगी, और वैल्यू ऑफ जी चेंज होने की वजह से वेट जो है वो चेंज होगा सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर भी और माउंटेन पीक के ऊपर भी, अदरवाइज मैथ जो है वो सेम है सरफेस के ऊपर भी, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर भी और माउंटेन पीक के ऊपर भी। तो डब्ल्यू ई एम जी ई यहाँ से आपके पास एम आ जाएगा, ये उधर जाके डिवाइड होगा WE divided by GE, इस तरह वेट और माउंटेन पीक कितना है क्या है वो एम जी एम ही है, मतलब सिंपल W इक्वल टू एम जी ही है, एम जी है, ठीक है। मैथ सेम रहता है चाहे अर्थ सर्फिस के ऊपर है माउंटेन पीक के ऊपर है, इसलिए इसके साथ कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन W और G के साथ जो है हम E और M लिख रहे हैं, E यहाँ पे शो कर रहा है कि ये आप अर्थ सर्फिस के ऊपर है, यहाँ M ये शो कर रहा है आप माउंटेन पीक के ऊपर है, इस तरह यहाँ से m आ जाएगा डब्ल्यू एम डिवाइड बाई जी एम ऊपर डिवाइड हुआ। अब देखें इन दोनों इक्वेशन 1 कह लें, इसे इक्वेशन 2 कह लें, इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम पता है कि अगर किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो उनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होते हैं, लिहाजा इन इक्वेशन को कंपेयर करके इनकी राइट हैंड साइड हम बराबर पुट कर देते हैं, डब्ल्यू ई जी ई बराबर है डब्ल्यू एम जी एम के, हमने जी एम फाइंड करना है वैल्यू ऑफ जी ऑन माउंटेन पीक, बाकी हमें सारी चीजें के बारे में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जी एम इधर चला जाएगा यहाँ डब्ल्यू एम है, ये इधर जी आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डब्ल्यू ई जो है यहाँ से ऊपर से आगे डिवाइड हो जाएगा, तो जी एम हमारे पास बराबर है डब्ल्यू एम मल्टीप्लाई बाई जी ई डिवाइड बाई डब्ल्यू ई। तो अब वैल्यूज पुट कर दें, डब्ल्यू एम आपके पास है 360
जी आपके पास है 10 और W आपके पास है 400, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू ऑफ जी आ गई माउंटेन पीक के ऊपर। ओके फाइन विद इट। आप जी क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि स्टेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब भी कहा जाता है ना स्टेट, स्टेट का मतलब ये होता है कि आपने ना डिफाइन करना है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो है स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है, मतलब डिफाइन करना है आपने। बाकी आपको कोई एग्जांपल कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्लियरली सवाल में कह दिया कि स्टेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी स्टेटमेंट क्या है, दिस लॉ स्टेट दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। ये लॉ ये कहते हैं, ये न्यूटन ने ला दिया था कि कायनात के अंदर हर एक चीज हर बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के जरिए, और वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के मैसेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और इसी से एक मिलता जुलता लॉ जो है वो कूलम लॉ भी है, जो कि सेकेंड ईयर की बुक में है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैसेस के लिए, वो कूलम लॉ जो है वो चार्जेस के लिए, और ये भी बेसिकली कि इंपेरिकल लॉ है। इंपेरिकल लॉ क्या होता है, ऐसा लॉ जिसमें एक्सपेरिमेंट पहले किए जाए और जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हो उनकी बेस पे जो है वो लॉ बनाया जाए। तो ये बेसिकली न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ है ये यही कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स कितनी होगी वो डिपेंड करता है उनके दोनों मैसेस के प्रोडक्ट ऊपर, उसके साथ मतलब डायरेक्ट रिलेशन होगी उस फोर्स की, लेकिन उसकी इनवर्स रिलेशन होगी किसके साथ, जो उन मैसेस के दरमियान डिस्टेंस होगा उसके स्केयर के साथ। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, और वाइस वर्सा। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिससे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है हम रो कहते हैं। तो एफ इक्वल जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो ये बेसिकली ग्रेविटेशन लॉ है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे इस फार्मूले में मैं आर को जो डिस्टेंस है दोनों मैसेज के दरमियान अगर इसे डबल कर दूं तो फोर्स कितनी कम होगी, ज़रा कम ही होगी क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, तो वो 4 times कम हो जाएगी क्योंकि आर स्क्वायर है नीचे, तो वो 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो जब डिस्टेंस डबल होगा मैसेज दरमियान तो फोर्स जो है वो 4 times कम हो जाएगी। खैर ये तो मैंने आपको एक जस्ट जनरल एक कंसेप्ट के तौर पर चीज बता दी। खैर क्वेश्चन नंबर 9 है, मेक अ फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फॉर अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। अगेन आई एम एक्सक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, ये 2021 के स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, तो इस वजह से मैं यहाँ इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा। चलते हैं हम बिना टाइम जाए कि अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डिस्क्राइब हुकला। अच्छा अब डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब आपने डिफाइन करना है, कोई फार्मूला है वो लिख दे, थोड़ा सा एक्सप्लेन हुकअप हुकअप कर दें 4-5 लाइनों में। ठीक है, हुकला क्या, दिस लॉ स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट। ये हुकला ये कहता है कि जो एक बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितनी इस बॉडी के ऊपर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं। स्ट्रेस बेसिकली फोर्स ही होती है। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर अगर हम हैं तो जितनी बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी वो प्रोपोर्शनल होती है कितनी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाई जा रही है। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगी ये कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तो ये कांस्टेंट, इसे बेसिकली हुकला ही बेसिकली हम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑन विच अप थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले भी एक पेपर में रिपीट हुआ है, वहाँ अप थ्रस्ट ऑफ लिक्विड को हमने डिफाइन भी किया था और फिर फैक्टर्स भी बताए थे, लेकिन यहाँ जस्ट वो ये कह रहा है कि फैक्टर्स को डिस्क्राइब करें, इसका मतलब पहले आप बताएं कि किन फैक्टर्स के ऊपर अप थ्रस्ट ऑफ लिक्विड डिपेंड करती है, फिर अगर कोई उनके साथ रिलेशन है तो वो आप बता दें।
तो पहली बात तो ये है कि आपने ये बताना है कि जो अपथ्रस्ट होती है लिक्विड की, वो बेसिकली अपथ्रस्ट एक फोर्स ही होती है, वो बेसिकली हमारे पास होती है एफ इक्वल वी रो जी, ये रो है डेंसिटी। तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, सेकेंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और थर्ड जो है वो तो ग्रेविटी है, वो तो है ही है। तो लिहाजा अपथ्रस्ट लिक्विड की डिपेंड करती है लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड के ऊपर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये आपने याद रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट्स मेड इन रेडिएटर्स। जो रेडिएटर्स होते हैं हमारे पास, उनमें हम ज्यादा स्लॉट्स जो है वो क्यों बनाते हैं। अगेन आई एम सॉरी, आई एम एक्सक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये 2021 के शॉर्ट सिलेबस का पार्ट नहीं था। तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी स्किप करके आगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है कि कन्वर्ट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू केजी पर मीटर क्यूब। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन है आपको, कन्वर्जन यूनिट्स की आपस में रिलेशंस ये आनी चाहिए। अच्छा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर कितने केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखें, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास बराबर है, ये देखें, समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1 ग्राम को ऐसे रहने दिया, ये सेंटी पर मीटर क्यूब है, तो नीचे से लिख लूंगा तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो 1 ग्राम हम पता है कि 1/1000 kg होता है, तो 1/1000 kg होता है 0.001 kg, तो 1 cm³ और 1 cm³ होता है 1/100³ m³। तो 1/ इसका क्यूब लेंगे तो ये इतना मीटर क्यूब आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 0.45 और 1 m³ आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे जो है इधर आप पुट कर दें, 1 g/cm³ किसके बराबर, 1 ग्राम की जगह आप ये पुट कर दें 0.001 kg, ठीक है, और नीचे जो है वो 1 cm³ है, तो 1 cm³ इसके बराबर है, तो यहाँ ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये kg, ये ऊपर जाके मीटर माइनस क्यूब हो जाएगा, और ये डिवाइड आप इन दोनों करेंगे तो ये आपका 1000 kg/m³ आ जाएगा। तो 1 g/cm³ 1000 kg/m³ के बराबर है। इस तरह की कन्वर्जेंस, इनके साथ प्ले करना, इनमें आपस में रिलेशंस एस्टेब्लिश करना, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके दो पार्ट्स उसने बनाए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, तो इसका मतलब है ये दोनों 1.5 और 1.5 के ही हैं। Why does temperature of solid substance not increase during its fusion? Second, I differentiate between boiling and condensation. ये दोनों क्वेश्चन मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं बाद में आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूंगा। अगर आपको इनके सोल्यूशन चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं इन क्वेश्चन के आंसर्स में, तो आप उन्हें कॉमेंट सेक्शन में लाजमीन बताना है, तो मैं आपके साथ जो है ये शेयर करूंगा। तो फिलहाल मैंने स्किप कर देता हूँ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 जो है, हाउ डज एवेपोरेशन डिफर फ्रॉम वेपराइजेशन, के मतलब एवेपोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंशिएट करने हैं, कम से कम 3 पॉइंट आपने लिखने हैं एवेपोरेशन के बारे में, वेपराइजेशन के बारे में, जो इन्हें एक दूसरे से मुख्तलिफ कर रहे हैं। ये भी स्किप कर रहे हैं हम लोग, बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो, आप लोगों की तरफ से कोई पॉजिटिव फीडबैक मिला तो चलें यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लास 9th फिजिक्स 2018 का जो पेपर था, उसका सेक्शन बी जो है शॉर्ट क्वेश्चन, हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किए पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो के एंड पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह की अच्छी वीडियोस के साथ, और इस पेपर के थर्ड पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की डिटेल के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।